पढ़ना क्या है फिर। तो जैसे साइंस है ना, साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे और 10 पार्ट होगा बट जो आपके सिलेबस की मैं बात करूंगा उसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज फिजिक्स, जो दूसरा है वो है बायोलॉजी, और जो तीसरा है वो है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। अब फिजिक्स जो है ना, इस ये फिजिक्स है क्या, तो आइंस्टीन जो थे उन्होंने अपनी किताब द रिवॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स में कहा कि जो फिजिक्स है वो फ्री क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है। समझ लो मेरे मतलब, फ्री क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड का मतलब हम अपने दिमाग से जो सोचते हैं ये फ्री क्रिएशन जो है, ये फ्री क्रिएशन फिजिक्स है, जो कि जैसा बाहरी दुनिया में दिख रहा है, जैसा बाहरी दुनिया में दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है। क्लियर? जैसे जैसे हमारा नॉलेज समय के साथ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम और आगे नॉलेज गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे इस रहस्य से हम पर्दा उठाते चले जाएंगे। मतलब कहने का है कि अभी जो तुम पढ़ के आए, 10th क्लास में तुम लोगों का मैच हुआ, 10th में तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, पर उस समय तुम्हारा नॉलेज शायद इतना था, 11th में नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा, 12th में और बढ़ेगा, फर्दर स्टडीज में धीरे धीरे आपका नॉलेज और बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो रियलिटी है फिजिक्स, जो रियलिटी है नेचर की, जो रियलिटी है नेचुरल फेनोमेना की, आप उससे जो है पर्दा उठाते जाएंगे। तो एक सिंपल लाइन में कहा जाए ना फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स आपके लिए एक अनकवर ऑपरेशन, अनकवर करने का मतलब जैसे होता है ना अंडरकवर एजेंट, क्या करता है वो रहस्यों से पर्दा उठाता है, वो छुपी हुई चीजों को निकालता है। तो यहाँ पे जो फिजिक्स है ये एक अनकवर स्टडी है, जिसमें जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा आप जो रियलिटी है यूनिवर्स की उस रियलिटी को आप खोलते चले जाएंगे। क्लियर? देख फिजिक्स में या नेचर में जो डाइवर्स फेनोमेना जो तुमको दिख रहा है, डाइवर्स फेनोमेना या तो माइक्रोस्कोपिक होगा, क्लियर है, समझ रहा मेरी बात, या तो माइक्रोस्कोपिक होगा या तो माइक्रोस्कोपिक होगा, क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब जो दिख रहा है और माइक्रो का मतलब सबसे सबसे स्मॉल है, सबसे सूक्ष्म, क्लियर। ये जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डाइवर्स फेनोमेना है, इस डाइवर्स फेनोमेना को हम अपने पांच सेंसेस से, अपने जो पांच सेंसेस हैं उस पांच सेंसेस से ही जो है ना रिसीव करते हैं, मतलब समझते हैं, उसका नॉलेज गेन करते हैं। वो पांच सेंसेस क्या है, तो वो पांच सेंसेस है आपके, सबसे पहला साइट जो आप देख रहे हो, ये क्या करता है, देखना आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में चीजों को आप उससे गेन कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, साइट। दूसरा हियरिंग, ईयर। तीसरा स्मेल, ठीक है, टच, ईयर, और इन सब के साथ लास्ट दैट इज योर टेस्ट। ये पांच जो तरीके हैं, इस तरीके से आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को आप समझते हो, आप उसका नॉलेज लेते हो। फिर जब हम अपने कंसेप्ट को थोड़ा डीप करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो चीज हम देख रहे हैं, उसके अंदर एक रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी समझ रहे हो मेरी बात, रेगुलरिटी का मतलब वो एक रेगुलर इंटरवल पे वैसा हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये जो रेगुलरिटी हो रही है, ये जो बार बार हो रहा है, क्लियर है, तो इस पॉइंट पे दो क्वेश्चन उठ जाते हैं। पहला, व्हाट मेक्स द रेगुलरिटी, क्या ऐसा हो रहा है कि ये जो रेगुलरिटी है वो रेगुलरिटी हो रही है। जैसे अभी गर्मी है, अभी देख लो तापमान क्या चल रहा है, अगले साल इसी समय वापस गर्मी होगी, ये रेगुलरिटी हुई कि नहीं, वेदर एक साल के बाद वापस रिपीट करेगा, हर एक सुबह सूरज निकलता है
और हर एक शाम को सूरज अस्त हो जाता है। ये रेगुलरिटी इन एक ये नेचुरल फेनोमेना में सूरज का उगना से लेकर के सूरज का डूबना, इसके अंदर एक क्या हो रहा है, एक रेगुलरिटी हो रही है। फिर रात में तारे आकाश में दिखने लगते हैं, फिर और फिर सुबह नहीं दिखते, फिर रात में द स्टार्स स्विफ्ट अराउंड द स्काई। ये जो रेगुलरिटी हो रही है ना, हम कहते हैं जब हम अपने नॉलेज को डीप करते हैं तो हम कहते हैं देयर आर सिंपल लॉ, देयर आर वेरी सिंपल बेसिक लॉ दैट प्रोड्यूसेस द रेगुलरिटी इन द एक्सपीरियंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ये बहुत बेसिक सिंपल लॉ से जुड़ा हुआ है, क्लियर है, जिसके कारण ये चीजें हमको रेगुलर इंटरवल पे होती हैं। जब हमारा नॉलेज बढ़ा, हमने इस रेगुलरिटी को नाम दिया ग्रेविटेशनल और रोटेशनल। क्लियर है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब इस पॉइंट ऑफ फ्रेम पे, इस पॉइंट पे दो क्वेश्चन उठे। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये रेगुलरिटी हो क्यों रहा है, और दूसरा इस रेगुलरिटी को पढ़ने का हमको फायदा क्या मिलेगा। क्लियर है, तो आप यूं समझ लें कि फिजिक्स इज टोटली, मैं कहूंगा कि ये स्टडी है, क्लियर है, ये स्टडी है प्योरली आपके यूनिवर्स की। क्लियर है, यूनिवर्स के छुपे हुए रहस्यों को निकालने की, उजागर करने की। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हम और ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे, तो आप यू कह ले कि द यूनिवर्स इज प्रिडिक्टेबल। क्लियर है, यूनिवर्स जो है ये प्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, एंड विद सम लॉजिक, विद सम एक्सपेरिमेंट, विद सम कंक्लूजन, हम अपने प्रिडिक्शन को हकीकत तक खड़ा कर सकते हैं। आगे बात समझो, तो पूरे फिजिक्स को उसके मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक आधार पे अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। क्लियर है, और आपके 11th और 12th में आपको यही सेगमेंट पढ़ना है। जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है मैकेनिज्म, ठीक है ना, फंडामेंटल डोमेन ऑफ फिजिक्स। आप एक बात समझ लो मेरी भाई, फंडामेंटल डोमेन, फंडामेंटल का मतलब वो होता है जो अपने ऊपर अपने आप को डिफाइन कर सकता है। क्लियर है, तो जो फंडामेंटल डोमेन में सबसे पहला पार्ट है वो है आपका मैकेनिज्म। क्लियर है, ये मैकेनिज्म क्या, क्लियर, सबसे पहला पार्ट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे क्या, क्योंकि अभी आप जो शुरू में करने वाला हूं मैकेनिज्म शुरू करने वाला हूं। क्लियर है, तो मैकेनिज्म क्या है, अगर कहा जाए तो मैकेनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, बट द मोशन इज अंडरगोइंग एट वेरी लो स्पीड। बात समझ में आ गई कि नहीं? दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्पीड जो अभी तक मेजर्ड है वो सी की है, विच इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते मोशन के बारे में, बट जो बॉडी मोशन कर रहा है, जो बॉडी मोशन करेगा, दैट बॉडी विल मूव विद अ वेरी लो स्पीड। जैसे कितना का स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, 2000 किलोमीटर पर आवर, ये सब 1000-2000 किलोमीटर इसके सामने बहुत ही छोटे हैं। आगे बात समझ में? दूसरा जो ब्रांच फंडामेंटल डोमेन है, ये डोमेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है, क्या नाम हुआ उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम करंट के बारे में पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम चार्ज और चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बिहेवियर के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर, तीसरा जो है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। समझना मेरी बात, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट, टेम्परेचर
और उसके द्वारा किया गया काम के बारे में पढ़ेगा। क्लियर है, समझो मेरी बात। सो जैसे याद करो स्टीम इंजन, पहले रेलगाड़ी होती थी ना स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन क्या करता था, स्टीम बनाने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू सप्लाई हीट, तुमको ऊर्जा देनी होगी हीट के फॉर्म, हीट से पानी गर्म होगा उससे स्टीम पैदा होगा, और वो स्टीम क्या करके देता था यहाँ पे वर्क करके देता था, ट्रेन चलती थी। आगे बात समझ में। उसके बाद जो चौथा पार्ट है हम उसको नाम देते हैं मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में जहां पे हम मैकेनिक्स में वेरी लो स्पीड की बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करते हैं वेरी हाई स्पीड, स्पीड विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड के कंपेरेबल स्पीड की हम बात करें। क्लियर, जस्ट लाइट के स्पीड का 50%, लाइट के स्पीड का 30%, लाइट के स्पीड का 80%, या लाइट की स्पीड से। क्लियर है, जब हम लाइट के स्पीड से बात करते हैं ना, तो जो सेगमेंट निकल के आता है ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। आगे बात समझ में। और जो सबसे आखिर का जो पार्ट है वो पार्ट है तुम्हारा अंडर की कॉल्ड क्वांटम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम। क्लियर है, अब क्वांटम क्या है, तो क्वांटम एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंदर हम माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम सॉरी एटम के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम आयन के बारे में पढ़ते हैं, या उस इसके अंदर हम इनकी एनर्जी की पढ़ाई करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही। सो देयर आर फाइव फंडामेंटल डोमेन ऑफ फिजिक्स, पहला मैकेनिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स, चौथा मॉडर्न फिजिक्स एंड पांचवा क्वांटम फिजिक्स। क्लियर है, इसको क्वांटम फिजिक्स। क्लियर है, अब समझिएगा मेरी बात। फिजिक्स पूरे साइंस का सबसे क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब गुणों से भरा हुआ ब्रांच, पूरे फिजिक्स पूरे साइंस का सबसे गुणों से भरा हुआ, पूरा गुणात्मक स्टडी जहां पे आप सिर्फ गुण के बारे में बात करते हैं। क्लियर है, यू एक्सप्रेस द क्वालिटी एंड ये सबसे ज्यादा, समझना मेरी बात, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला चैप्टर तेरे सिलेबस है। ठीक है ना, अब फिजिक्स जो है ना, व्हाट इज फिजिक्स नाउ, तो फिजिक्स इज प्योरली लॉजिक, पहले तो प्रेडिक्शन, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंट एंड देन आफ्टर कंक्लूजन। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कोई एजम्पशन मान लेते हैं, समझ लो मेरी बात, पहले हम कोई भी एजम्पशन मान लेते हैं बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि वो जो हम माने हैं वो सही है या गलत। आफ्टर दैट जो हम सोचते हैं हम उसको लॉजिक के साथ एक्सप्रेस करते हैं। जैसे याद करो डाल्टन जो थे, डाल्टन ने कहा एटम जो है इंडिविजुअल होता है, और आज आपको पता है कि एटम इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑल दी पार्टिकल्स हैं। पर उस समय मैंने पहले ही तुमको बताया कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा हम चीजों को और विस्तार से समझा सकेंगे, हमारे लिए हमारा जो ये जो छुपा हुआ रहस्य है ना वो उतना ही समय के साथ इट विल बिकम सिंपलर सिंपलर एंड सिंपलर। आगे बात समझ में। तो उन्होंने कह दिया कि द एटम इज इंडिविजुअल, और आज के समय में जो एटम है द एटम इज इंडिविजुअल, एटम इंडिविजुअल होता है। क्लियर है, तो फिजिक्स में शुरू कैसे होगा, सबसे पहले होगा आपका एजम्पशन। क्लियर है, एजम्पशन आप यूं कह लो कि हमारी कल्पना हो, उस कल्पना के ऊपर हम लॉजिक रखेंगे। आगे बात समझ में, उस लॉजिक के ऊपर हम मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। क्लियर है, और इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए हम यूनिवर्स में हो रहे डाइवर्स फेनोमेना का ही सहारा लेंगे। जैसे बोर्स ने अपना जो मॉडल दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये उन्होंने यूनिवर्स को देख करके ही
जो प्लानिटरी मोशन है उस प्लानिटरी मोशन के ऊपर उन्होंने दिया। आ रही बात समझ में? तो ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होगा। जब ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार होगा तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर 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 करके अलग अलग काम कर 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 करके इसको जो है सही साबित किया जाएगा, हमारी कल्पना को हमारी लॉजिक को सही दिखाया जाएगा। अरे बात समझ में? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तुमने बोला सर बोले सही बोले। तो उस समय के भी जो वैज्ञानिक है या जो उस समय के वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे जानते हो? पहले अपनी कल्पना रखते थे, लॉजिक देते थे, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क करते थे और डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो उस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को अपनी कल्पना को चेक करते थे। जहां पे उनका कोई भी पैरामीटर फेल कर गया, जहां पे उनके एजम्पशन फेल कर गए, वो कभी भी लॉ नहीं बना। ठीक है, तो उसको रीडिफाइन करने की जरूरत हुई, जैसे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को समय के साथ साथ रीडिफाइन करते गया। ठीक है, थॉमसन आए, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद बोर्स आए और धीरे 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 इसके अंदर डी ब्रोगली घुसे, हिंडनबर्ग घुसे और कर करके समय के साथ साथ डिफरेंट सिचुएशंस पे हम अपनी कल्पना को चेक करने लगे। ठीक है, तो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, क्लियर है? और डिफरेंट पैरामीटर, जब ये एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है तो वहां से क्या निकलता है? लॉ। क्या निकलता है? बेसिक लॉ, क्लियर है? बेसिक लॉ विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया इस लॉ को मान लेती है, क्लियर है? सो जो वैज्ञानिक होते हैं, ये फिजिक्स के जो लोग होते हैं, ये नेचर को इसलिए नहीं पढ़ते कि नेचर सुंदर है, ये नेचर को इसलिए पढ़ते हैं, क्लियर है, कि हम अपने सरवाइव करने के रेट को हम इन्हेंस कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे हम नेचर को समझेंगे वैसे वैसे हम ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव को जान लेंगे, ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव को देख लेंगे जिस पर्सपेक्टिव से हम अपने लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर सकें। समझो, एक समय पहले बुखार लगने से लोगों की मौत हो जाती थी और आज बुखार लगने से किसी की मौत जल्दी होती है, सही ट्रीटमेंट मिले। एक समय हैजा बीमारी थी बहुत, समझ लो कि उसको डेंगू मारा जाता था, गांव आता हैजा से सब मतलब मर जाता था, आज उसके एंटीडोट्स बना हुआ है। अरे हमारे तुम्हारे अगर समय में बात करूं तो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको बहुत घातक बीमारी मतलब मानी जाती थी और आज के रेट में क्या है, उसके इलाज, उसके दवाई मार्केट में अवेलेबल, सस्ते दामों पे अवेलेबल, फ्री में सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, आप लीजिए खाइए आप ठीक रहिए, क्लियर है? याद करो पोलियो, पोलियो एक समय बहुत गंभीर समस्या थी हमारे देश में। ठीक है, सरकार ने उसके लिए दो बूंद जिंदगी के करते एक इनिशिएटिव चलाया, घर घर जाकर के उससे जुड़े जो कार्यकर्ता है उन्होंने घर जाकर के ड्रॉप पिलाया और जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं भी सही मैं भी गलत हो सकता है, पिछले दो या तीन सालों से पोलियो का कोई नया केस नहीं आया है। जन्मजात पोलियो हो गया, समय के साथ पोलियो लग गया, नहीं, जो पुराने केस है जिनको पहले हुआ हुआ है वो तो खैर है ही ना, पर कोई नया केस नहीं हुआ, क्लियर है? तो इसको ही समझना फिजिक्स, क्लियर है? तो आने वाले दौर में आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ोगे, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे और क्वांटम पढ़ते चले जाओगे, क्लियर? चलिए, तो अभी जो है मैंने बात करी किसकी, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क। मैंने बात की लॉजिक, किसकी बात की मैंने, लॉजिक। तो ये लॉजिक, ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, जैसे देखो ना, कल ही मैंने कुछ लोगों को बता रहा था कि जब पहली बार पंखा का आविष्कार हुआ तो ये लोगों के दिमाग में एक एजम्पशन आया कि ऐसा कोई चीज बनाया जा सकता है जिससे जो बिजली से चले, ठीक है, और वो हवा दे। पहले याद करो, देखो गांव घर में ऐसे हाथ से हिलाने वाला पंखा मतलब तार का बना हुआ होता, अभी भी आपके घर में होता है वो, क्लियर है? तो उन्होंने कल्पना की कि ऐसी कोई चीज बनाई जाए जो मोटर चले, मतलब जो मोटर से चले, क्लियर? उन्होंने इस कल्पना को सोचा बिना ये जाने हुए कि
कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समझ रहे मेरी बात, बिना ये जाने हुए कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पर जब पहली बारी पंखा बना होगा तो ऐसा नहीं था कि ऐसा क्वाइल लपेट दिया, अलाइन दिया तो चलने लगा। There was a mathematical equation involved, clear है? और ये जो mathematical equation है, mathematical framework, इसी कारण से physics में हम math का इस्तेमाल होने जा रहा है, clear है? क्योंकि पूरी की पूरी physics का आधार क्या है? Mathematics का logic and reasoning, तो logic और reasoning दोनों में आपको समझ लो कि math जरूर पढ़ना पढ़ना है, clear है? तो अब देखो, अब physics में जो जरूरी जरूरी मैथ्स है, क्लियर है, उसमें सबसे पहला मैथ जो है वो अलजेब्रा है, और क्या आया हुआ है तुमको अलजेब्रा के दौर में, ये है। दूसरा कैलकुलेशन आना चाहिए तुमको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बाकी चीजें, तो कैलकुलेशन, क्लियर है। तीसरी जो जरूरी चीज है वो है कैलकुलस, जिसके अंदर हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हमको पढ़ना है इंटीग्रेशन, क्लियर है। और लास्ट विच इज योर वेक्टर, आज का हम बात करने वाले किसके ऊपर, वेक्टर। अब सवाल ये आता है, सवाल ये है कि हम वेक्टर पढ़ क्यों रहे, व्हाई आर वी स्टडिंग वेक्टर, जरूरत क्या है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी मैंने पहले जब अभी क्लियर कर दिया कि फिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटेटिव ब्रांच ऑफ साइंस, क्वालिटेटिव क्वालिटी आ रही, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको हम नाप के एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड क्यू इक्वल्स टू एन यू, जहां पे जो एन है ये न्यूमेरिक वैल्यू है और U जो है वो यूनिट है। जैसे तुम्हारा वजन कितना, तो आप बोलिए ना 60 क्या किलो, तो 60 न्यूमेरिक वैल्यू हुआ और जो किलो हुआ वो यूनिट हो गया, तो ये बता रहा है कि ये एक मास जैसा एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप अभी बता रहे, क्लियर है। अभी कितना समय हुआ तो आप बताओगे ना, 10:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, एएम पीएम, तो मैग्नीट्यूड भी इसमें, न्यूमेरिक वैल्यू भी है और यूनिट भी, क्लियर है। आगे बात समझ में, तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा, तो 500 रुपया, तो 500 इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड रुपया इज प्रेजेंट यूनिट, आगे बात समझ में, क्लियर है। तो अब फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को समझना, मेरी बात, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नाप के समझा सकते हैं, और यही कारण है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किया गया, स्केलर और वेक्टर, समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहां बहुत क्लियर हो जाओ, ठीक है ना। स्केलर तुम्हारा वजन कितना, तो 60 किलो, इस तुम्हारे वजन को बोलने के लिए कोई डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारा 60 किलो है वो नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, कोई बात बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा वजन 60 किलो। सो वैसी क्वांटिटी जिसको बोलने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आ रही बात समझ में, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है वो स्केलर, पर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आप फिल्म में देखते हो, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, फिल्म में देखते हो कि जो मेन लीड होता है, जो हीरो होता है, उसने एक पंच मारा, और पंच मारते मारने से, पंच मारा तो एक फोर्स दिया, और उस फोर्स से जो विलन है वो हवा में उड़ता हुआ एक जगह गिरा, तो हवा में उड़ता हुआ जैसे ही वो गया एयर में फ्लोट करने लगा, तो यहां पे इसको समझाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड यू नीड अ डायरेक्शन। जैसे अभी मैं कहां खड़ा हूं, जमीन पे, क्यों जमीन पे खड़ा, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल मुझे डाउनवर्ड खींच के रखती है, तो इस फोर्स को समझाने के लिए बिना डायरेक्शन के आप समझा नहीं सकते हो। सो ऐसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन एसोसिएट, मतलब ज्वाइन करा देते हैं,
आ गई बात समझ में। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसका मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट होगा, डायरेक्शन ज्वाइन होगा, ताकि हम उसके दोनों पहलू को समझा सके। मैं यहां से फोर्स लगाऊंगा, कोई चीज मेरे फोर्स लगाने से किधर जाए, गोली बंदूक से चलेगी किधर जाएगी ये, और कितनी ताकत से जाएगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को हम कितना समझते हैं। आगे बात समझ में। तो वेक्टर बिल्कुल यही चीज होती है, वेक्टर इज अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्लियर है? अभी पहले पूरा समझ लो, उस बात पर हम लोग इसको लिखवाना भी चालू करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप देखें, समझ लो मेरी बात, वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है। अब बात करते हैं वेक्टर की, क्लियर है ना। तो वेक्टर जो है, समझना मेरी बात, वेक्टर जो है, इस वेक्टर के अंदर वैसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसके पास, जिसको बोलने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, एक लाइन सेगमेंट से, जिसमें ये जो लाइन की लंबाई जो है ना, ये लंबाई प्रोपोर्शनल है उसके मैग्नीट्यूड से, और ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड डायरेक्शन दिखाता है, इट शोज द डायरेक्शन। क्लियर है? अभी देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, और उसके सर पे क्या लगाते हैं, तीर। व्हाट द एरो शोज कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो तीर है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आ गई बात समझ में। तो अगर कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसके दो हिस्से, क्लियर है, एक इसका मैग्नीट्यूड, आ गई बात समझ में, और एक इसका डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड जो होता है, ये मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं ए वेक्टर का मॉड, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मतलब अगर मॉड लगा हुआ है मतलब ये क्या समझा रहा है, मैग्नीट्यूड। और जो इसका डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन जनरली थीटा से दिया जाता है, एंगल के रूप में दिया जाता है। क्लियर है? मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन वेक्टर की नहीं, तो सब क्लियर कर लेना, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये एंगल से देंगे, और आप ये जान लो कि एंगल को नापने का दो तरीका है, एक तो डिग्री में नापना है और एक जो है वो रेडियन में नापना है। तत्काल हम बात सिर्फ और सिर्फ डिग्री की करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना हम आपको आने वाले समय में सिखाएंगे। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है ना, जैसे ये वेक्टर हुआ, तो ये जो सेक्शन है इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और ये जो है इसको बोला जाता है हेड और टर्मिनस, एक वेक्टर का हेड या टर्मिनस, और ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? अब जो एक वेक्टर है, जैसे ये एक पॉइंट इन द स्पेस, इन द प्लेन, ये एक पॉइंट है, जैसे इसका नाम ए और एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? सो इस पॉइंट को जब आप रेफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन से जब आप जोड़ते हो, क्लियर है, तो जो लाइन निकल के आती है, दैट लाइन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं उस लाइन को? पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस पोजीशन वेक्टर को? आर वेक्टर। आ गई बात समझ में? अब यहां पे ये जो है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। आ गई बात समझ में? तो ये जो वेक्टर हुआ, इस वेक्टर के, जैसे ये ए वेक्टर हुआ ना, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो कि x के अलोंग है उसको हम ax कहते हैं, और एक एक ay जो कि y के अलोंग है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे ये यहां पे कोई पॉइंट हुआ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये ax हुआ, क्लियर है, और ये वाला जो कंपोनेंट हुआ ये ay हुआ, और ये a हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया। आ गई बात समझ में? दिस इज योर थीटा, नाम दे दीजिए ओ ए बी,
ओ ए बी, क्लियर है। तो यहां पे मतलब अगर आप बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए बी अपॉन ओ ए। तो ए बी कितना है, ए वाई अपॉन ए। सो ए वाई का मान कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, ओ बी अपॉन ओ ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए। आ रही बात समझ में? तो यहां से सो ए एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो यहां से आप क्लियर हो गया ना कि अगर x कंपोनेंट है किसी वेक्टर का, तो वो जो x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट a cos थीटा है, और जो y कंपोनेंट है वो a sin थीटा है, जहां पे वेयर a इज द मैग्नीट्यूड, a क्या है मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ? अब जब ये पॉइंट है a पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट x कॉमा y है, तो ये जो x एक्सिस है ना, द डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। और जो डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछता है आई कैप, तो आप बोलिएगा दिस इज योर डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। क्लियर है? अगर j कैप है तो आप बोलिएगा डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। क्लियर है? अगर कोई आपसे माइनस आई कैप बोलता है, तो आप क्या बोलिएगा, डायरेक्शन अलोंग x डैश एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ चले जाएगी। क्लियर है? तो आपको बोलना है डायरेक्शन अलोंग x डैश एक्सिस। सिमिलरली अगर कोई आपसे माइनस j बोलता है, तो आप क्या बोलिएगा, डायरेक्शन अलोंग y डैश एक्सिस। क्लियर है? तो ये अगर कोई पॉइंट a x कॉमा y है ना, तो उसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, a वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप। समझ में आया कि नहीं आया? सो a वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप। अब इसके अलावा देखो, जब z एक्सिस हो जाए, क्लियर है, तो जब z एक्सिस होगा तो उसके लिए k कैप हुआ। क्लियर है? तो k कैप क्या हो जाता तुम्हारा, आप बोलिएगा डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस, और माइनस k रहा, क्लियर है, माइनस k रहा, तो माइनस k क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अलोंग z डैश एक्सिस। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहां पे जैसे अगर मान के चलो कि ये एक पॉइंट रहा, यहां पे कोई पॉइंट है a, a कॉमा b, तो a वेक्टर तुम खुद बताओ क्या होगा, a वेक्टर बता दीजिए क्या होगा, आप बोलिएगा a i कैप प्लस b j कैप। क्लियर है? ये वाला x एक्सिस हुआ, ये वाला y एक्सिस हुआ। क्लियर है? अगर मान के चलो कि तुम्हारा 3D ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं, तो 3D में ये x हुआ, ये z हुआ, और मान लीजिए कि ये इस तरह से y हुआ, तो रिप्रेजेंटेशन में इसके अलोंग i कैप, इसके अलोंग k कैप, और इसके अलोंग j कैप। कोई दिक्कत? यहां पे कोई पॉइंट है a x कॉमा y कॉमा z, क्लियर है? तो ओरिजिन से इसको जोड़ दीजिएगा, ये ओरिजिन हुआ, व्हाट इज OA, आप बोलिएगा OA वेक्टर इज योर पोजीशन वेक्टर। OA वेक्टर क्या है तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? तो OA वेक्टर जो है ये क्या होगा, तो ये होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k। आ गई बात समझ में? अब इस वेक्टर के ध्यान समझने हैं, इस वेक्टर के दोनों चीज होंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आ जाओ वापस ए वेक्टर देख लो, मैंने अभी बताया कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट टू डी में, ए एक्स और ए वाई। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ए एक्स क्या हो गया, ए कॉस थीटा, ये क्या हो गया, a sin थीटा। तो अगर हमको हम a sin थीटा अपॉन a cos थीटा कर दें, तो हमको ay अपॉन ax मिलेगा, बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये a से ये a कैंसिल,
साइन बाई कॉस कितना हुआ? साइन बाई कॉस टेन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ? ए वाई अपॉन ए एक्स। सो थीटा बराबर क्या हो गया? टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है सब? चलो अब फिर से आ जाओ, अगर कोई ए वेक्टर है ठीक है, और वो ए वेक्टर मान लो या कोई पॉइंट ए है लिखा हुआ है 2, 3, क्लियर है, तो वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर बराबर बोलो 2i cap + 3j cap। अगर कोई मान लो कि सी पॉइंट है, मान लो वो है 5, -7, क्लियर है, तो वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर का मान 5i cap - 7j cap, बिल्कुल सही, क्लियर है। अब किसके इसका ठीक है ना, इसका देख लो एक बार, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका बात कर रहे हो तो मॉड सी वेक्टर होगा, मैं बताऊंगा इसका मान क्या होता है, क्या होगा इसका मान? मॉड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा। और इसका डायरेक्शन देखो, थीटा बराबर क्या हम पढ़ा दिए? टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। आ गई बात समझ में? सिमिलरली इसके लिए भी देखो, थीटा बराबर क्या होगा? टैन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब आप मुझे बताओ कि व्हाट इज ए वाई? 3। ए वाई का मान कितना है इसमें? ए वाई देख लो यार, इस ये ए वाई इसमें यही वाला है ना, ax इसमें यही वाला है ना, क्लियर है, इसमें ay यही ना है, इसमें यही ना है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? क्लियर है। तो यहां पे थीटा बराबर tan इनवर्स -7/5, क्लियर है, कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर tan इनवर्स -7/5, और यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स, क्लियर है, 3/2। और ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री में पहले क्वाड्रेंट में टैन का मान पॉजिटिव, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल आएगा ये या तो 90 से 180 के बीच में होगा या 270 से 360 के बीच में होगा। कहाँ होगा? धीरे धीरे उसको क्लियर करते जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये बेसिक वेक्टर हुआ, इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, पॉज कर दो। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं या आगे जो हमको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होता है, समझो मेरी बात। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब ये तो क्लियर हो गया कि वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो सबसे पहला जो टाइप है वेक्टर का, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर वैसा वेक्टर होता है, या किसी दो वेक्टर को हम पैरेलल कहेंगे अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम हो। जैसे मान के चलो कि एक वेक्टर है r1 वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है r2 वेक्टर, ये दोनों को पैरेलल बोलेंगे, चाहे मैग्नीट्यूड सेम रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। मतलब जैसे एक बात समझो ना कि ये r3 वेक्टर, तो देख रहे हो डायरेक्शन सबका सेम है, इसकी लंबाई छोटी है, मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। तो इस ये r1 r2 r3 आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड चाहे सेम रहे या ना रहे, डायरेक्शन उसका सेम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका विच वी कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो। आ गई बात समझ में? जैसे एक वेक्टर, जैसे ये देख लो, अब इसको हम r4 नाम दे देते हैं। तो तुम देख रहे हो r1 से r4 का डायरेक्शन उल्टा है, क्लियर है। या एक दूसरा ले लो कुछ इस तरह से r5, तो आप क्या देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड तो अलग है ही पर डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट है। सो टू वेक्टर आर कॉल्ड
एंटी पैरेलल वेक्टर इफ देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? चलो तीसरा जो वेक्टर है उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन आर सेम। क्लियर है? जैसे देखो ये एक वेक्टर है तुम्हारा, मान लो आर वन वेक्टर, और ये एक दूसरा वेक्टर है आर टू वेक्टर। तो R1 और R2 का देख रहे हो लंबाई सेम है, सो दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। लंबाई भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैज टू बी इक्वल। चौथा जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है? तो निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मान के चलो कि ये एक वेक्टर है तुम्हारा R1 वेक्टर, तो इसका निगेटिव का मतलब ये होता है ना कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। सो निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या, जैसे एग्जांपल एक वेक्टर मैंने लिखा ए वेक्टर बराबर 5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होगा 5 मीटर ड्यू वेस्ट, डायरेक्शन को उल्टा कर देना। क्लियर है? तो बिल्कुल यहां से डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पांचवा नंबर वेक्टर, वो है को इनिशियल वेक्टर। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि एक वेक्टर जो है ए वेक्टर, इसका ये इनिशियल होता है, इसका ये हेड या टर्मिनस होता है। तो टू वेक्टर आर कॉल्ड या मोर देन टू वेक्टर आर कॉल्ड को इनिशियल अगर इन सब का इनिशियल पॉइंट सेम हो। क्लियर है? जैसे एक दूसरा वेक्टर डायरेक्शन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम जगह लाई किया कि नहीं किया। एक ऐसे ले लो सी वेक्टर, तो दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। सो वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट कॉन्साइड्स, जुड़ जाता है, एक जगह पे लाई करता है। छठा जो है वो है आपका कंकरेंट वेक्टर। तो कंकरेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है, क्लियर है ना, कंकरेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है या टू वेक्टर आर कॉल्ड कंकरेंट विच इंटरसेक्ट, अगर कोई दो वेक्टर इंटरसेक्ट कर जाए, इंटरसेक्ट करे तो उसको हम कंकरेंट वेक्टर कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अगला जो है सेवन नंबर, वो है आपका कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, तो अगर एक से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में है, जैसे मान के चलो ये बोर्ड एक पूरा प्लेन है, मैं इसमें सब ये लाइन मैं बना रहा हूं, एवरी लाइन लाइज ऑन द बोर्ड एंड द बोर्ड इज अ प्लेन। आ रही बात समझ में? जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो अगर एक्स वाई प्लेन में एक ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं, एक ऐसे बना दूं, ये सब वेक्टर हुआ एंड एवरी वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, सो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? चलिए कोप्लेनर वेक्टर के बाद अगला जो आता है वो है आपका जीरो वेक्टर, या इसी को हम पॉइंट वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट वेक्टर। तो जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए, समझो मेरी बात, अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम पॉइंट। आ गई बात समझ में? तो पॉइंट वेक्टर को क्या हम बोलेंगे? पॉइंट वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। क्लियर है? अगला जो है वो है तुम्हारा फ्री वेक्टर। सो व्हाट इज फ्री वेक्टर? नाउ समझिए, एक वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं व्हेन द वेक्टर इज इजीली टू लोकलाइज, इट कैन बी इजीली शिफ्टेड पैरेलल टू अ वेक्टर। नहीं समझ में आया बात? देखो जैसे ये एक पेन है, ये एक वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, अगर इस वेक्टर को बिना कोई दिक्कत के हम शिफ्ट कर ले पैरेलल या एंटी पैरेलल तो ये फ्री वेक्टर होगा, मतलब इजी टू मूव, इजी टू लोकलाइज। क्लियर है? दसवां नंबर वो है लाइन वेक्टर। क्लियर है? अ लाइन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर जिसको एक लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग स्लाइड कर सके।
समझ में आ रही बात? देखो जैसे ये विंडो ही है ना, तो इस विंडो को हम स्लाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो स्लाइड किसके अलोंग होगा? एक लाइन के अलोंग स्लाइड होता है। लाइन के अलोंग स्लाइड हुआ तो जो वेक्टर एक लाइन के अलोंग स्लाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन वेक्टर। तो वेक्टर बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर इतना ही है। अब हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर? तो टॉपिक टू बी कवर्ड सबसे पहले जो हमको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है अब आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। नॉर्मल एडिशन जैसा होता है, वेक्टर एडिशन बिल्कुल वैसा नहीं होता। यहाँ पे अलग अलग लॉ हमको पढ़ने हैं, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? जो दूसरा हमको पढ़ना है वो है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। जो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, जिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में हमको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए इसके बाद पहले हम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। सब आसान आसान टॉपिक है। क्लियर है? पांचवा जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। और छठा जो चीज हम लोग इसमें करेंगे दैट विल बी योर न्यूमेरिकल्स। ये टॉपिक तुम्हारा रहा। क्लियर है? वेक्टर बेसिक समझ गए क्या होता है वेक्टर? क्लियर है? तो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, और लास्ट में इसके न्यूमेरिकल बना करके इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल का टाइमिंग आप लोगों को भी पता है। ठीक है?